आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 8A का सेकेंड क्वेश्चन से। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इसका बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, तो आज आप लोग जो एक्सरसाइज ये बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन है आज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आप लोग आसानी समझ सकें। यहाँ से समझ लीजिए बीजगणित आप लोगों का शुरू हो रहा है। इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लास 6 में बिल्कुल भी बीजगणित नहीं पढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप लोगों का बीजगणित शुरू है चैप्टर 8 से। ये बेसिक बात है बीजगणित का, तो इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने गुणा करना बता दिया था कैसे गुणा करते हैं बीजगणित का, तो देखते हैं इसको। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बारी बारी सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने बताया था सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, चिन्ह का गुणा करने के बाद अचर संख्याओं का गुणा करते हैं, अचर संख्या के बाद जो अल्जेब्रिक वाले होते हैं, जो अल्फाबेट वाले होते हैं, जो चर होते हैं, इनका गुणा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ चिन्ह दोनों में प्लस प्लस ही है तो प्लस ही रह जाएगा। अब हम लोग अचर का गुणा करेंगे तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12। अब x का गुणा करेंगे तो 1x लिखेंगे, हमने बताया था कि जोड़ के लिख देना है। तो देखिए 2x यहाँ है और 5 यहाँ है तो 5 × 2 × 7 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, यही गुणा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया है यहाँ भी चिन्ह सब प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, प्लस पहले नहीं लिखा जाता है। अब देखिए अचर 3 और 5 है, ये घातांक है, अचर इसको नहीं कहेंगे। तो 3 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। अब देखिए वाई दिया तो 1 वाई लिखेंगे, गिन लेंगे कितना वाई है, 2 यहाँ 3 यहाँ 2 3 5 और 1 यहाँ, तो y² 6 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए ये संख्या प्लस में है और ये माइनस में, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, हमने चिन्हों का गुणा बताया था, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 15, देखिए x यहाँ तो 1x लिखेंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ है तो x² हो जाएगा, 1 ही y है तो यहाँ y लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोनों माइनस दिया है तो माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस पहले नहीं लिखा जाता है। अब देखिए 4 है यहाँ, बाकी कोई और अचर नहीं है तो 4 को लिख देंगे। ए देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक देखते हैं, a² है तो 2 लिखेंगे, बाकी कोई और a नहीं है। वाई देखिए 1 ही है तो वाई लिख देंगे। अब देखिए बी भी 1 ही है तो बी लिख देंगे, चिन्ह का गुणा हो चुका है। x² x भी वही है तो x² लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये सब अंक इधर से उधर लिख सकते हैं तब भी सही है। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस पहले नहीं लिखा जाता है। 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो 15। x देखिए 2 यहाँ और 1 यहाँ है तो x² हो जाएगा 3। y देखिए 1 यहाँ है 2 यहाँ है तो y² हो जाएगा 3 और बाकी कोई अंक नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये सब अंक इधर से उधर लिख लेंगे तब भी सही है। x³ बाद में और y³ पहले भी लिख सकते हैं, 15 को भी पहले बाद में कहीं लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस पहले नहीं लिखा जाता है। जब संख्याएं नीचे और ऊपर रहें, ये एक संख्या है तो इसको ऊपर माना जाता है, तो देखिए नीचे वाले संख्या से ऊपर का संख्या कट सकता है सब गुणा में, तो 8 से 16 काट देंगे 2 बार में। अब देखिए नीचे से 8 खत्म हो गया,
माइनस माइनस का गुणा किए तो प्लस, अब यहाँ तीन बचा और यहाँ दो, आठ से सोलह कट गया दो बार में, तो तीन दूना छः हो गया। एक्स पावर फोर यहाँ है, देखिए यहाँ कोई एक्स नहीं है तो एक्स का पावर फोर लिखेंगे। वाई देखिए, एक वाई यहाँ है, एक वाई यहाँ, तो वाई का पावर टू लिख देंगे। जेड देखिए, जेड एक यहाँ दो यहाँ, तो जेड का पावर थ्री लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। आठ से सोलह को काट देंगे, गुणा में है ऊपर नीचे, तो दो बार में कट गया। अब आठ खत्म, सोलह खत्म, सोलह की जगह दो बच गया और यहाँ तीन था, तो तीन का दो में गुणा कर दिए छः। एक्स का पावर फोर, वाई यहाँ यहाँ, तो वाई पावर टू, जेड एक यहाँ दो यहाँ, तो जेड का पावर थ्री। देखिए इसमें सेवंथ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन और है, तो उसको भी देखिए। सेवंथ क्वेश्चन दिया है, 2p इंटू माइनस 3q इंटू माइनस 4pq, इसको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस, देखिए दो जब माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस पूरा हो जाएगा प्लस ही। अब हम लोग अंक का अचर का गुणा करते हैं, तो देखिए दो का तीन में करेंगे, दो तीन छः हो गया, छः का चार में 24, पी देखिए कहाँ है, एक यहाँ है, तो पी का पावर टू हो जाएगा। क्यूब देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्यूब पर पावर टू हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन टू पूरा कंप्लीट हुआ, सेवंथ क्वेश्चन दिए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। तो थर्ड में कुल दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों को बारी बारी से देखा जाएगा। तो कह रहा है गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए, पहले गुणा कर लेना है, देखिए इतना गुणा में दिया है, उसके बाद मान निकालना है, जो आंसर आएगा उसमें एक्स के जगह पर वन रख के मान निकालना है। दो क्वेश्चन समझ लीजिए, एक में दिया है, तो यहाँ देखिए सबका गुणा करते हैं, तो देखिए एक ही चिन्ह है माइनस और एक प्लस है सब में, तो प्लस और माइनस का गुणा जब करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर नीचे संख्या हो, अगर समान संख्या हो या कटने वाला संख्या हो तो काट देते हैं, गुणा में रहेगा तो देखिए सात से सात को हम लोग काट देंगे, और प्लस और माइनस का हमने गुणा कर लिया माइनस। अब हम लोग जानते हैं अंक का गुणा करते हैं अचर का, अचर कोई और नहीं है केवल सिक्स है, तो सिक्स लिखेंगे। अब देखिए एक्स है, तो एक्स पर दो यहाँ, पाँच यहाँ, पाँच दो सात, तीन दस और एक ग्यारह, तो एक्स पावर ग्यारह लिख देंगे। ये आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया, गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, यदि एक्स इक्वल जीरो, एक्स इक्वल वन दिया है, तो इसी में जो आंसर आया इसी में एक्स के जगह पर हम लोग एक रख के हल करेंगे। लिखेंगे एक्स बराबर वन रखने पर, यहाँ क्या करेंगे एक्स बराबर वन रख देंगे, वहां दिया है तो एक्स के जगह पर, तो आंसर ये दिया है माइनस सिक्स एक्स पावर ग्यारह, तो माइनस सिक्स, यहाँ बीच में देखिए दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो सिक्स इंटू एक्स के जगह पर हमको रख देना है क्या, एक्स के बराबर एक है, मतलब एक्स के जगह पर हमको एक रखना है, तो एक्स पर ग्यारह था तो अब एक पर ग्यारह हो जाएगा, तो माइनस सिक्स इंटू, अब देखिए एक पर ग्यारह का मतलब क्या हुआ, एक को ग्यारह बार एक गुड़े एक गुड़े एक गुड़े ग्यारह बार लिख के गुणा करेंगे, तो एक को कितना ही भी बार लिख के गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक पर ग्यारह का मतलब एक हो जाएगा। अब माइनस और एक सिक्स और एक का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, सिक्स का एक में सिक्स, तो यही आंसर हो जाएगा। तो एक देखिए आंसर आया माइनस सिक्स एक्स पावर ग्यारह, और एक आंसर आया माइनस सिक्स मान ज्ञात करने पर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ दिया है इसका भी गुणा करना है, और एक्स के जगह पर वन और वाई के जगह पर टू रख देना है, तो गुणा पहले करेंगे, तो देखिए एक ही जब माइनस है तो और बाकी प्लस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है।
अब अचर का देखिए गुणा करते हैं, दो का दस में गुणा करेंगे तो दो का दस में बीस और बीस का तीन में साठ हो जाएगा। अब देखिए एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ और दो एक्स यहाँ, तो एक्स का पावर हो गया फोर, एक एक दो और दो चार। अब वाई देखिए है, वाई पर दो यहाँ और एक यहाँ, वाई पावर थ्री, तो ये आंसर हो गया, हमने गुणा कर लिया। अब क्या करना है हमको, मान ज्ञात करना है, तो यही लिखना है, तो लिखेंगे x इक्वल वन, y इक्वल टू रखने पर, x के जगह पर एक, y के जगह पर दो रख देना है इसी में। एक बार इसको लिखते हैं, माइनस साठ x का पावर फोर y का पावर थ्री इसी में रख देना है, तो माइनस साठ बीच में सबके गुणा का चिन्ह होता है, माइनस साठ गुणे एक्स का पावर फोर, एक्स के जगह पर एक रखना है तो एक का पावर फोर इंटू वाई के जगह पर देखिए दो रखना है तो दो, और वाई पर तीन था, वाई की जगह हमने दो रखा तो दो पर तीन हो जाएगा। इसका हल कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस साठ गुणे एक पर चार का मतलब एक ही होगा, एक को चार बार लिख के गुणा करेंगे, एक गुणे एक गुणे एक तो एक ही होगा, और गुणे दो पर तीन है तो देखिए दो गुणे दो गुणे दो, दो पर तीन का मतलब दो को तीन बार लिख देना है, तो दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा इसका मतलब। तो अब देखते हैं सबका एक में गुणा है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, साठ और एक का गुणा साठ ही होगा, साठ में आठ का गुणा कर लेंगे तो 480 हो जाएगा, ये आंसर होगा माइनस 480। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज 8A का लास्ट क्वेश्चन दिया है, 8-4 इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको देखते हैं। एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला कह रहा है खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, दूसरा कह रहा है यदि एक्स इक्वल थ्री वाई इक्वल टू तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो देखिए पहले वाले में क्या कर देना है, जो भी ये संख्या दिया सबका गुणा कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, उसी आंसर में x के जगह पर तीन, y के जगह पर दो रख के हल कर देंगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने हल किया तो इसका भी आंसर आएगा। तो देखते हैं पहले वाले को हम लोग देखते हैं, पहले देखिए पूछ रहा खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो यहां देखिए खेत में इतना क्यारी है 2x क्यारी, और कह रहा प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, तो जब 2x में हम लोग एक्स वाई का गुणा करेंगे तो कुल पंक्ति निकलेगा, क्योंकि कहना है 2x क्यारी है और प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, तो मतलब 2x में जब हम एक्स वाई का गुणा कर लेंगे तो पंक्तियों की संख्या पता हो जाएगा हमको, और प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर, और हर पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर है, तो जब कुल पंक्ति कितना है उसमें वाई स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो पौधों का संख्या पता चल जाएगा यहां से। तो देख लिखेंगे क्या, खेत लिखेंगे, खेत में कुल पौधे बराबर, अब खेत में कुल पौधे कैसे निकलेगा, क्या करेंगे 2x लिखेंगे, ऐसे पहले लिख लेंगे क्यारियां गुणे पंक्तियां गुणे पौधे, यहां से निकाल लेंगे कुल पौधे, क्यारियां देखिए लगा है 2x इंटू पंक्तियां हैं एक्स वाई इंटू पौधे हैं प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर। तो अब देखिए जब गुणा करते हैं, हमने बताया था चिन्ह सब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अब अचर का करेंगे तो कोई और अचर नहीं है, एक एक यहां रहता है तो एक का मतलब एक, एक का दो में करेंगे तो वही दो ही रहेगा। एक्स देखिए दो एक्स है तो एक्स लिख के उसके ऊपर दो लिख देंगे, वाई देखिए एक यहाँ दो यहाँ,
तो वाई के ऊपर तीन हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया पहले का। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि x इक्वल थ्री वाई इक्वल टू तो कुल पौधों की संख्या, ये कुल पौधे निकल गया, पौधों की आप संख्या अंकों में कैसे निकालेंगे, x के जगह पर तीन y के जगह पर दो रख देंगे इसी में। तो लिखते हैं एक बार, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या इक्वल, ये लिख लेंगे यही पौधे हैं, कुल पौधों की संख्या यही है 2x² y³। अब इसी में हमको क्या कर देना है, 2 × x के जगह पर रख देना है 3, तो x के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 रहेगा ही उस पर, और इनटू बीच में सबके गुणा का चिन्ह होता है, अब y पर 3, y का मतलब 2, y के जगह पर हमने 2 रख दिया तो 2 पर 3 हो जाएगा। इसी को हल कर लेना है, तो देखिए 2 × 3 पर 2 का मतलब 3 को ऐसे लिख देंगे 2 बार, 3 पर 2 का मतलब 3 को 2 बार, 2 × 3 का मतलब 2 को लिखना है 3 बार, सबका गुणा कर लेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 36, 36 × 72 और 72 × 144। तो कुल पौधों की संख्या हो गया 144, यहां लिख सकते हैं पौधे, ये आंसर हो गया। तो आज ये एक्सरसाइज 8(1) का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अगले वीडियो में कल 8 का B पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आप लोग समझ सकें। इस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका तो पार्ट 1 देखिए, उसमें हमने सारी डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं, जो भी बीजगणित में जानना आप लोगों को ज़रूरी है, एकदम हमने 0 से बीजगणित शुरू किया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को अगर पार्ट 1 देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है।